इस वीडियो में हम लोग कुछ पिक्सेल्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द साइज ऑफ 640 क्रॉस 480 इमेज एट 240 पिक्सेल्स पर इंच। तो मेरा पिछला वीडियो में हम बोले थे जब भी ऐसे दिया हुआ रहता है ये रेजोल्यूशन को डिनोट करता है, और जब रेजोल्यूशन का कोई यूनिट नहीं दिया हुआ रहता है मतलब इसको समझ जाना होगा कि ये पिक्सल्स पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? देखो, हम लोग के पास एक इमेज है जिसका विड्थ 640 पिक्सल्स है और हाइट 480 पिक्सल्स है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, एट 240 पिक्सल्स पर इंच, इसका मीनिंग क्या हुआ? 240 पिक्सल्स पर इंच मतलब अगर समझो हम लोग का ऐसा लाइन में 240 पिक्सल्स है तो ये टोटल हो जाएगा 1 इंच के अंदर, मतलब 1 इंच के अंदर 240 पिक्सल है। तब सोचना पड़ेगा कि ये पूरा लाइन में कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स है? 240। तो 240 पिक्सल कितना इंच इंच स्पेस ले रहा होगा, मतलब 1 इंच में 240 पिक्सल्स अट जाता है। तो 1 पिक्सल कितना इंच में अटता होगा? 1/240। तो 640 पिक्सल्स कितना इंच में अटता है? 640/240, सिंपल यूनिटरी मेथड। इसी तरह से हम लोग हाइट के लिए भी निकाल सकते हैं, 480 पिक्सल्स कितना में अटेगा? 480/240। तो ये हम लोग का इंचेस में निकल गया है विद और हाइट। तो विद कितना है हम लोग का इंचेस में? 640/240, और हाइट कितना है? 480/240, ये होगा इंच में। हम लोग का इंच में दोनों चीज निकल गया। अब हम लोग को निकालना है टोटल साइज। टोटल साइज यानी कंप्लीट एरिया। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ करने से निकल जाएगा या फिर विद इंटू हाइट करने से एरिया निकल जाएगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू विद इंटू हाइट यानी 640/240 इंटू 480/240 इंच स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा 5.33, ये रिकरिंग में इंचेस स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हम लोग का सेकंड प्रॉब्लम। इसमें हम लोग रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। यहां पे क्या बोला है? कंप्यूट द रेजोल्यूशन ऑफ 2x2 इंच इमेज दैट हैज 512/512 पिक्सल्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है, ये क्या है, और इसमें रेजोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो बोल दिया कि हम लोग के पास एक इमेज है जिसका विड्थ है 2 इंच और हाइट भी है 2 इंच, और इसमें विड्थ में 512 पिक्सल्स है और हाइट में भी 512 पिक्सल्स है। तो इसमें तो लग रहा है कि एज इफ रेजोल्यूशन ही दे दिया है, तो फिर क्यों रेजोल्यूशन निकालने बोला है? अब देखें कि एक्चुअली रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं। रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं। यहाँ पे 2 इंच दे दिया था हम लोग को, 2 इंच नहीं 1 इंच में निकालना है कि 1 इंच के बराबर विथ में कितना है पिक्सल्स है और हाइट में कितना पिक्सल्स है। तो ये सिंपल से निकल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो रेजोल्यूशन क्या होगा कि हम लोग का पिक्सल्स ये अपना विद के लिए होगा, ये हाइट के लिए होगा, ये भी विद के लिए और ये हाइट के लिए। यहाँ पे नंबर्स का वैल्यू सेम है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा पहला वाला विद होगा, नेक्स्ट वाला हाइट होगा। रेजोल्यूशन क्या होगा? पहला विद का लिखेंगे 512 टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से अपना विद में जिसमें 2 इंचेस है, तो इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 इंच का निकल जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड की 2 इंच में अगर
512 है तो 1 इंच में 512/2 होगा। तो ये हो गया हम लोग का विड्थ के लिए। हाइट के लिए भी सेम लिखेंगे 512/2, तो हम लोग का रेजोल्यूशन ये आएगा 512/2 × 512/2 का रेजोल्यूशन का इमेज है ये। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 256 × 256। तो रेजोल्यूशन को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन इज नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ। रेजोल्यूशन इज नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। इफ एन इमेज हैज हाइट ऑफ 2 इंचेस एंड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 1.5, कैलकुलेट इट्स विथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक इमेज है जिसका हम लोग को हाइट दे दिया है 2 इंच और विथ निकालने बोला है, तो विथ को एक्स ले लेते हैं। और क्या दे दिया है, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो दे दिया 1.5। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, विथ बाई हाइट। सो ये हम लोग का आ गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से ही हाइट आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1.5 × 2 जो कि होता है 3। तो हम लोग का विद आ गया 3 इंचेस। सिंपल सम, ये हम लोग का एस्पेक्ट रेशियो पे बेस सम था। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स फॉर ए 3 × 2 इंच इमेज एट रेजोल्यूशन ऑफ 300 पिक्सल्स पर इंच। तो इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स निकालने के लिए। हम लोग का पास एक इमेज है जिसका लेंथ है थ्री सॉरी जिसका विड्थ है 3 और लेंथ है 2, और बोल दिया है कि 300 पिक्सल्स पर इंच है। सिंपल है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं विड्थ में कितना इंचेस है, 3 इंचेस है, और पर इंच कितना पिक्सल्स है, 300। तो 3 × 300 ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द विड्थ। ऐसे ही हाइट में निकाल लेंगे। फिर से देखो, इसका लेंथ है 2 इंच, 2 इंच इसका लेंथ है, तो 1 इंच में 300 पिक्सल्स है, तो 2 इंच में कितना होगा, 2 × 300 पिक्सल जो कि होता है 600 पिक्सल्स, और ये होगा 900। तो विद आ गया और हाइट आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आ जाएगा। तो टोटल नंबर होगा 900 × 600 पिक्सल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। तो ये सम नंबर है 5। तो सम क्या है, रिसाइज अ 1024 × 768 इमेज टू वन दैट इज ऑफ 640 पिक्सल्स वाइड विद द सेम एस्पेक्ट रेशियो, फाइंड इट्स हाइट। सो ये एस्पेक्ट रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या बोल दिया है कि हम लोग के पास पहले था एक इमेज जिसका विड्थ है 1024 और इसका हाइट है 768। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि विद और हाइट कैसे निकालते हैं, पहले जो दिया हुआ विद है, नेक्स्ट जो दिया हुआ हाइट है। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, 1024/768, मतलब विद बाई हाइट। तो ये हो गया हम लोग का एस्पेक्ट रेशियो। अब बोला है एक नया इमेज फॉर्म करने जिसका विद होगा 640, जिसका विद होगा 640 और हाइट हम लोग को निकालना है, तो इसको एक्स ले लेते हैं। सो ये हम लोग का फर्स्ट इमेज का एस्पेक्ट रेशियो, तो इसको AR1 ले लेते हैं, और ये हम लोग का सेकेंड इमेज है। तो अगर AR2 निकालेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन में बोल दिया है कि सेम एस्पेक्ट रेशियो एज दैट ऑफ 1, मतलब ये होना चाहिए AR1 के बराबर। तो AR2 क्या होगा, 640/x, दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब 640/x इज इक्वल टू 1024/768, या फिर x को लिख सकते हम लोग 640 × 768 / 1024,
और इसको सॉल्व करने से आता है 480। तो हम लोग का हाइट आ गया 480, जो सो जो नया इमेज फॉर्म होगा उसको अगर इसके जैसे एस्पेक्ट रेशियो रखना है तो उसका हाइट होना चाहिए 480, अगर उसका विथ 640 है तब। सो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ईजी है। एक बार अच्छे से समझ में आ जाने से बहुत ईजी है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आराम से जल्दी जल्दी हो जाता है। कट अ 512x512 सब इमेज फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ 800x600 इमेज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पिक्सेल्स इन द लार्ज इमेज दैट इज एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्मॉल इमेज। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का एक रफली आइडिया देते हैं। एक बड़ा इमेज हम लोग का जिसका हाइट हाइट और विड्थ है 600 और 800। इस बड़ा इमेज में से एक छोटा इमेज हम लोग को कटआउट करने बोला है, जो कि बीच में से कटआउट करना है, जिसका विड्थ और हाइट होगा 512 और 512। सो ये कैसे करेंगे? और हाँ, और इसका बोला है कि कोऑर्डिनेट्स निकालो लेफ्ट वाला कॉर्नर का, छोटा वाला इमेज का लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स निकालने बोला है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स निकालने बोला है। सो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। सो इसको अच्छा से इसका डायग्राम बना के सॉल्व करने से पूरा क्लियरली समझ में आ जाता है। सो एक इमेज बनाना है जो कि 800x600 है। तो समझो हम लोग का ये ग्राफ कोऑर्डिनेट्स है। सो कोऑर्डिनेट्स में हम लोग पहले 800 मार्क करेंगे, जो कि विद होगा हम लोग का इमेज का, बड़ा इमेज का विद होगा 800। और हाइट क्या है? 600। तो इमेज कैसा दिखेगा? ये है हम लोग का कंप्लीट इमेज। अब क्या बोला है कि ये वाला इमेज कहां से फॉर्म होगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ बड़ा वाला इमेज। तो इसका सेंटर कितना होगा? पहले 800 का हाफ करते हैं 400, और 600 का हाफ करते हैं तो 300। ये होगा हम लोग का ये बड़ा वाला इमेज का सेंटर। तो इसी सेंटर में से हम लोग को 512 और 512 का एक और इमेज बनाना है। सो ये छोटा वाला इमेज इसका बीच में होगा, ये दोनों सब बराबर होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट ये बराबर होना चाहिए। सो अगर ये सेंटर है छोटा वाला इमेज का भी, तो ये वाला डिस्टेंस अगर एक्स होगा तो ये वाला भी एक्स होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो छोटा वाला इमेज का सेंटर होगा ना। तो ये एक्स होगा इतना दूर तक, तो इस साइड भी एक्स होना चाहिए इतना दूर तक। और ये टोटल लेंथ कितना है? 512, मतलब x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 512, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 512, या x इक्वल्स टू 512 बाई 2, यानी 256। सो ये x का लेंथ है 256। इस पॉइंट का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट का लेंथ निकालने के लिए हम लोग को पता है कि इतना दूर तक लेंथ है 400 और इतना लेंथ है 256। तो इतना लेंथ कितना होगा निकाल सकते हम लोग? कैसे? ये टोटल लेंथ जो कि 400 है माइनस इतना लेंथ कर देंगे, तो मतलब 256 कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हम लोग के पास। तो 400 माइनस 256 करेंगे जो कि होता है 144। तो ये पॉइंट है 144, ये आ गया 144। और ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? इतना दूर तक 400 था, इसके साथ और 256 प्लस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा? 400 प्लस 256 दैट इज इक्वल्स टू 656, मतलब ये वाला
पॉइंट है 656। हम लोग जैसे इधर के लिए किए, अब हाइट के लिए भी करेंगे। तो अज्यूम करते हैं ये वाला हाइट y है और ये भी y है, तो 2y विल बी इक्वल्स टू 512, यानी y इक्वल्स टू 256। सेम जैसे हम लोग इसके लिए किए थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे 300 माइनस 256, और ये वाला पॉइंट निकालने के लिए करेंगे 300 प्लस 56, क्योंकि इतना दूर तक का डिस्टेंस 300 था, उसके साथ 256 ऐड कर देने से ही हम लोग इतना दूर तक पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों को कैलकुलेट करने से वैल्यू आता है 44 और 556। सो अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना हम लोग को, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 144.44। सो द आंसर इज 144.44। इसी तरह से कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हम लोग। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना होता तो क्या होता, 144.556, या फिर ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता, 656.556। ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकालने बोलेगा तो निकाल सकते हम लोग। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट और एक वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है।